हमारे उत्तर प्रदेश से वो सांसद हैं, बहुत ही लोकप्रिय नेता है, 600 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है और बहुत ही लोकप्रिय प्रसिद्ध अभिनेता के रूप में भी उनकी पहचान है। मैं इसके सारे समस्याओं का समाधान ढूंढने का काम हम सब लोग मिलकर करेंगे। आप सबको फिर एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, जय महाराष्ट्र, जय भीम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी जय घोष करेंगे तो नौ भागवत। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ की जमीन से आने वाले हमारे बड़े भाई माननीय श्री रवि, सभी के हक के लिए लड़ाई लड़ने वाली हम सम्राट भाई का मनीष, कि उसके पहले 70 साल तक खाली खून चूसा गया, लूटा गया, भ्रष्टाचार हुआ, शोषण हुआ, हम लोगों का पैसा, हमनी का पैसा, हमनी का टैक्स, मैं एक्टिंग करके जो टैक्स भरता था कि हमारे गांव में पैसा जाई, खड़ंजा का तो सड़क बन जाई, डामर का ना बनी, गरीब लोगन के सिलेंडर मिली, गरीब लोगन के आवास मिली, हमारे माई बहन के इज्जत खातिर शौचालय मिली, लेकिन सब खा गए, डकार भी नहीं मारे। अब सब जेल में डकार मार रहे हैं। पैसा हमारी जनता का, पैसा मेरे देश का, पैसा आपका। एक जन तेल खरीदला, जन ब्रश खरीदला, जन मंजन खरीदला, ओकरा पे एमआरपी एगो टैक्स लिखाला, वो टैक्स ज्यादा हो, भले इनकम टैक्स नहीं भरते हो तो क्या होता, हर सामान खरीदते हो टैक्स भरते हो, वो हम लोग का पैसा, वही तो मोदी जी चिल्लाते हैं कि जनता का पैसा जो लूटे हैं और जो लूट चुके हैं उनके एकदम अतड़ी से एकदम जबड़ा में हाथ डाल के निकल गया कि हो जान ला बाबू, जीवन भर हम लोग खून पसीना कमाए हैं बाबू, दिन रात खटे हैं तब रवि किशन बने हैं, मेहनत करके पैसा कमाए हैं, भोजपुरी के लिए हम लड़े, भोजपुरी इंडस्ट्री बनाए, आज 50,000 परिवार का चूल्हा जलता है, यह रवि किशन बनाया है। या कब हुई, अब आए अपनी बहन के लिए, गोपाल अन्ना यहां से गए, बहुत बढ़िया सांसद, एकदम हीरा 24 कैरेट का सोना, सांसद जी वाड़न। अब हमारी ये बहन यहां मनीषा ताई चौधरी खड़ी, हमके मुख्यमंत्री साहब का फोन आई, मुख्यमंत्री साहब बोलना कि मनीषा ताई खड़ी है वहां, उनके लिए जाना है, संतोष पांडे को काम पर लगा दिए, संतोष पांडे खड़े हो जाओ, दाढ़ी वाले ये संतोष पांडे हैं, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के बड़ा कर्मठ कार्यकर्ता हैं, जनरल सेक्रेटरी बाड़ा ना का बड़ा हो, सेक्रेटरी महाराष्ट्र के हैं, एक बार जोरदार ताली, ये हमारा अवघड़ रूप भी देखिए। गोरखपुर आओगे आप लोग को एकदम बम बम लगेगा, आओ आप लोग का स्वागत है, आजकल मेरा पता गोरखपुरी है, श्री जितेंद्र पटेल जी क्या समा बांध दिया, ऐसी ऐतिहासिक जीत है ताई, 21 तारीख को आपको देखना, इजाई हमार भोजपुरिया समाज ताई, और देखी कमल का फूल और ताई का चेहरा और हमारे मोदी जी का चमक चमकता चेहरा और हमने देवेंद्र फडणवीस साहब का चेहरा और टाप 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 इतना चाप के इनके वोट दी है कि मेरी ताई जाए और एक आवाज बने और ये मदद करे, क्योंकि मोदी जी के अभी हर विधायक सांसद कार्यकर्ता जितने भी हैं सब चुन चुन के मोदी जी ला रहे हैं, हमारे अमित शाह भाई जी ला रहे हैं, हमारे गृह मंत्री एक साहसी आदमी, 370 हटाए कैसा लगा, बचपन में याद हुआ, याद रहे कि पाकिस्तान न्यूक्लियर फेंकी हुई, पाकिस्तान बम मारी हुई, डरा डरा के डरवा डरवा के आतंकवादी घुस गए थे, सोचो ताज होटल में आ गए, पानी से आ रहे हैं, यहाँ से आ रहे हैं, सेंटर होटल जहां देखो फिल्म की शूटिंग में आ जाते थे ये लोग, कितने भय में इसी मुंबई शहर में रख दिया था इन आतंकवादियों ने, इन भ्रष्टाचारियों के साथ एक कमजोर देश बन चुका था भारत, फिर एक मस्त
सिंहा जन्म लिया 2014 में माननीय श्री नरेंद्र मोदी। और पाकिस्तान कैसे छाती पे जूता रख के रगड़ दिए बाबू। कश्मीर अब पीओके जो हम लोग का है वो ले हल जाए। अमित शाह जी आ गए, अब पाकिस्तान कांप रहा, आतंकवादी कांप रहे हैं। ये है मेरा देश, ये है मेरा तिरंगा, ये है मेरे मां भारती का सम्मान, और यह होने के चाहिए। अरे जिस देश में उस राष्ट्र के प्रति सम्मान नहीं, जब भारत माता की जय बोलने में अब लगता है 600 लीटर खून को ही डाल दिया। एक बार प्रेम से बोला भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम होना चाहिए। और इसी जज्बे से भारत बनेगा, इसी जज्बे से हम लोग एक ताकतवर देश बनेंगे, एक ऐसी शक्ति जिस पर कोई नजर डाले तो कांप जाए। नहीं तो हर देखो बंदूक लेके बम लेके घुस गया था भारत में, मजाक बना दिया था इस भारत का। 130 करोड़ की आबादी। धन्यवाद मोदी जी, इसीलिए हम पर्दा शूटिंग छोड़े, हम मिले चलाओ, हम भी मां भारती की सेवा में चलते हैं। नहीं तो मैं बम बम था अपनी जिंदगी में हो। थोड़ा हवाली से यही तो सब रूप था मेरा। कहीं साउथ में काम कर रहा हूं, कहीं मराठी में कर रहा हूं, अनगिनत भाषा में तो आप लोगों ने देखा है मुझे। इस देश की हर भाषा में मैं काम करता हूं, हर आदमी सम्मान देता, पूरा देश मुझे सम्मान देता है। अनगिनत रूप है मेरे, लेकिन मैं मां भारती के लिए। हम सोचे यार यह देश में हमारे पास खाए के ना रहे, हमारे माई के पास साड़ी ना रहे, हमारे बाबू के पास फट। इनके एक बेर हमारे खातिर हाथ उठा के आशीर्वाद दे दिए, सब लोगों का हाथ उठे के चाहिए। बोला नमः पार्वती हर हर महादेव। कहें कि सर्वे भीतु सर्वा भीतु जीवन भीतु मृत्यु भीतु, दाता तू विधाता तू देता तू लेता तू, सत्य तू असत्य हम भगवान तू, मनुष्य हम शिव तू, सुंदर तू शक्ति तू, सब कुछ तू मैं कुछ नहीं, भगवान तू मैं कुछ नहीं, जीवन तू मैं कुछ नहीं। तभी कहिला भाई लिट्टी चोखा बनल बाहर बड़ा मजेदार। लिट्टी चोखा वाड़न हमारे मोदी जी, एकदम प्रोटीन से भरपूर सतुआ, गरीब लोगों का भोजन, ये पूरा देसी शरीर है हमारा, कोई नकली प्रोटीन नहीं डालते हैं, सिक्स पैक है अभी बॉडी में, रोज एक घंटा कसरत करीला हो। ऐतिहासिक जीत है मनीषा ताई की, पूरे देश में हम जहां भी हम महाराष्ट्र हरियाणा में जा रहे हैं, जहां भी जा रहे हैं पूरा मोदीमय माहौल है, कमल का फूल का माहौल है, देवेंद्र साहब फडणवीस जी का माहौल है, हरियाणा की सरकार का माहौल है। कल मैं हरियाणा जा रहा हूं सुबह, तो पूरी हर जगह पूरा आप देख ही रहे हैं ये सैलाब जो आ रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी देशभक्ति राष्ट्रहित हमारे कार्यों के हमारे कर्मों से मोदी जी की योजनाओं का जो लाभार्थी लोग हैं वो सब आ रहे हैं, जिनको उम्मीदें हैं कि और मिलेगा, और इनको पता है मेरा देश अब सुरक्षित है, और उनको पता है कि मोदी जी या उनकी पार्टी या उनकी सरकार या उनके मुख्यमंत्री, उनके कथनी करनी में अंतर नहीं है, ये उसी का फल है, तभी इतने सैलाब आता है। और ये आप 21 तारीख को देखिएगा, हम लोग करीबन 225 से लेके 235-40 सीट तक हम लोग महाराष्ट्र में युति सरकार में जीतेंगे। देखिए मैं हिंदू हूँ, मैं मेरे भगवान राम वहाँ जन्म लिए थे, और उसके बारे में सारे तथ्य भी निकले हैं इतिहास में। मैं चाहूँगा कि 100 करोड़ की आस्था है माननीय सुप्रीम कोर्ट का, मैं सम्मान करते हुए हमारे सारे 100 करोड़ हिंदुओं को उस दिन मोक्ष मिल जाएगा जिस दिन ये हो जाएगा कि भगवान राम का वहाँ मंदिर।